मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन 17 नॉन फाइनाइट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट में थ्री पार्ट्स थ्री हैं, जिसका एक पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनिटिव। मैंने आपको पार्टिसिपल बताया था जिसके टू पार्ट्स थे, जिसे टू फॉर्म में थे बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड पास्ट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब जैसे ये वर्ब है, वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। हमारा चैप्टर है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेस। हम सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट में हम उसको उसके सब्जेक्ट और टेंसेस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ये हमारे जो टू प्ले है, टू प्ले है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंसेस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आ गया टू प्लस प्ले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू प्ले। आगे है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट देखिए, इन्फिनेटिव में जो है इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव है। अलाउ मी टू गो होम, टू लग गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। लेट मी गो होम, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो ये हमारा क्या हो गया, वेयर इन्फिनेटिव। कौन सा हो गया, वेयर। इसमें रूल्स के हिसाब से एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, इनफ प्लस इन्फिनिटिव, इनफ आ जाए एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो उसके साथ इन्फिनिटिव यूज होगा। जैसे शी इज वाइज इनफ टेकिंग वाइज डिसीजन, तो टेकिंग क्या है, हमारा रॉन्ग है, हम क्या यूज करेंगे, टू टेक। शी इज वाइज इनफ टू टेक राइट डिसीजन। आगे ही इज बोल्ड इनफ गो होम, गो नहीं आएगा, ही इज बोल्ड इनफ टू गो, गो अलोन, सॉरी, इज बोल्ड इनफ टू गो अलोन। सेकेंड रूल्स देखिए, अगर नो, लर्न, टीच, डब्ल्यू एच प्लस इन्फिनेटिव होगा, अगर ये आ जाते हैं सेंटेंसेस नो, लर्न, टीच, तो हमारे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जो है वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे बट, वैन, हाउ, ये हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव टू आगे। जैसे डू यू नो हाउ टू स्टार्ट द गेम, हमने हाउ यूज किया, नो आ गया, नो के बाद हमने क्या किया, डब्ल्यू एच वाला यूज किया, हाउ टू स्टार्ट द गेम। आगे देखिए, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, आई एम लर्निंग हाउ यूज कर लिया, लर्निंग, लर्न, लर्न है, इसके साथ हमने हाउ यूज किया, टू प्ले जो इन्फिनेटिव है उसको यूज किया, टू प्ले गिटार। टूडे आई विल टीच हाउ यू टू रीड द न्यूज़पेपर, रीड है, जैसे मैंने आपको बताया था टीच के साथ, टीच प्लस डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन मार्क और प्लस हाउ यू टू रीड द न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स, सब बुक में से देखिए, टेबल वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए प्लस टू इन्फिनेटिव, शी, सचिन वॉन्ट्स, वॉन्ट क्या वर्ब है, टू गो टू रोहतक, ही ट्राइज टू हेल्प द नीडी, She pretended not to recognize him. They promised verb to tell the truth. Do you intend to attend the meeting? Two plus verb की first form. ठीक है, आगे देखिए, subject plus verb आगे noun या pronoun हो plus two infinitive. Nitin wants her to sing. We asked him to go away. They want you to work hard. मीनू अलॉट सचिन टू गो टू दिल्ली, डिड यू एडवाइज योर फ्रेंड टू एक्सेप्ट द जॉब, ये टेबल टू थी। अब टेबल थ्री के रूल्स देखिए, रूल्स में इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू इन्फिनेटिव आएगा साथ में। सचिन इज हेल्पिंग वर्ब, टू ऑल्ट टू वॉक, ठीक है ना, दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, Vipin is too goes to speak lies. Meenakshi is too late to attend the meeting. This news is too good to be true. अब टेबल फोर देखिए,
इट प्लस टू बी, टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स जो कि कॉम्प्लीमेंट है, प्लस टू इन्फिनेटिव। इट इज़ इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। इट इज़ गुड नॉट टू स्पीक अननेसेसरी। इट इज़ गुड नॉट टू वेस्ट मनी। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इट विल बी वाइज टू ड्राइव स्लोली। इट इज़ पॉसिबल टू क्रॉस द रोड। ये थे स्टूडेंट्स हमारा इन्फिनेटिव्स। कल हम करेंगे जिरंड। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे।